हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल टेकमाइंड 24 और आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा मैपल एप्लीकेशन के बारे में। मैपल एक मैप एप्लीकेशन है जो कि इंडिया के लिए बना है और ये एप्लीकेशन अभी बहुत ही वायरल है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है इस एप्लीकेशन में जिस वजह से ये एप्लीकेशन बहुत वायरल हो रहा है, वो सारे आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट वीडियो पूरा देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि ये एप्लीकेशन आपको स्पीड लिमिट बताता है, यानी कि ओवर स्पीड से बचने के लिए ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप कहीं भी जा रहे हो, आपके स्क्रीन पे स्पीड लिमिट दिखाती जाती है जिससे कि आप स्पीड लिमिट से ज़्यादा क्रॉस नहीं करेंगे और चालान से आप बच सकते हैं। इसके अलावा इस एप्लीकेशन पे शार्प कर्व को बार बार बताया जाता है जिससे आप अपनी गाड़ी की स्पीड धीमी कर लेंगे और एक्सीडेंट से बच सकते हैं। साथ ही अगर आपने वॉइस ऑन कर रखा है या वॉल्यूम आपने बढ़ा रखा है तो आपको ये एप्लीकेशन बोल के भी सारी चीज़ें बताता रहेगा कि आगे कब है, आगे लेन चेंज करनी है, ये सभी चीज़ें। इस एप्लीकेशन की एक बहुत ही खास बात है और पॉपुलर है गूगल के अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पर आपको जब भी आप किसी ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं, आपको नीचे जाना है या ब्रिज के ऊपर से जाना है, इसके लिए यहाँ पर आपको एक इमेज दिखेगा, एक फ़ोटो दिखेगा जहाँ पर आपको डायरेक्शन बताया जाएगा कि आपको ब्रिज के ऊपर से जाना है। तो इससे आप दोस्तों, एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है इस एप्लीकेशन में जो है ट्रैफिक कैमरा। जनरली रोड पे ट्रैफिक कैमरा मॉनिटरिंग सिस्टम लगी होती है जो आपके स्पीड को मॉनिटर करती है और आपके घर पे अपने आप चालान भेज देती है, ऑनलाइन चालान हो जाता है। तो ये आपको इंडिकेट कर देगा कि आगे 200 मीटर 500 मीटर बाद यहाँ पर ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैमरा लगा है। इसके साथ ही ये आपको स्पीड ब्रेकर की भी जानकारी देगा जो कि रोड पर चलते हुए आपको कभी कभी पता नहीं चलता है कि कहाँ पे स्पीड ब्रेकर है। तो ये 500 मीटर पहले ही बता देगा कि आगे स्पीड ब्रेकर है, आप अपनी स्पीड स्लो कर लीजिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है। अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक खतरे से सावधान किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मर्जिंग और डाइवर्जन का भी सिंबल बन के आता है कुछ इस तरह से, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि आगे ट्रैफिक मर्ज हो रही है तो आपको स्पीड स्लो कर लेनी चाहिए। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन फीचर है। यही सब एक से एक फीचर हैं जो कि गूगल मैप में आपको नहीं मिलते हैं और इस एप्लीकेशन के ऊपर मिलते हैं, जिस वजह से ये एप्लीकेशन बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन के अंदर खामियां क्या हैं, क्या ये गूगल मैप का कॉम्पिटिटर है, तो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि ये गूगल मैप का एकदम से कॉम्पिटिटर तो नहीं है, क्योंकि गूगल मैप के अंदर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि ये एप्लीकेशन में नहीं है। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।